जो लोग मेरे साथ इस यात्रा पर रहे, परिवार के लोग, जो जहाँ जैसे मिला होली के दिन कुछ लोग, तो मैंने उन लोगों से भी थोड़ा आप चर्चा की जाए। तो आप लोग होली का बनारस के रंग और दूसरे रंग में क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? बनारस जैसी होली तो कहीं नहीं होती है। आप मनाने के लिए आई हैं कि यहीं रहती हैं? हम होली खेलने के लिए आए हैं, मेरा मायका भी यहीं है, ससुराल भी यहीं है। अच्छा, जब से आप बनारस आती हैं तब से बनारस में कुछ बदलाव देखी है? पूरा बदलाव है, बनारस तो ऐसा था ही नहीं, अब तो इतनी सफाई हो गई है, लोग इतने टूरिस्ट आते हैं, मोदी जी की देन है ना। ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जितने विरोधी हैं उनको जेल में डाल रहे हैं जबरदस्ती, देखिए आज इंडिया गठबंधन वाले कहें 31 मार्च को रैली करेंगे, ये सब बकवास है, मोदी जी मोदी जी हैं। आप अब आप बताइए, आप यहाँ रहती है बाहर से आई है? यही रहते हैं, बनारस में। तब तो बनारस की मस्ती का, लेकिन बनारस वाले कहते हैं कि कुछ चीज़ तो बदल गई, घाट बदल गए, वो जो ऊपर तार लगे रहते थे वो बदल गए, काशी घाट बदल गया, लेकिन गंदगी नहीं बदली, बनारस वाले नहीं बदले? बनारस वाले बदलेंगे भी नहीं, बनारस वाले नहीं बदलेंगे, वही तो नहीं बदलना है, नहीं तो बनारस तो मोदी जी ने बदल दिया है पूरा। जो देखने में वो तो बदल गया लेकिन बनारसी नहीं बदल रहे? बनारसी तो बनारसी रहेंगे, वो कहाँ बदलेंगे। और आप भी यहीं से? हाँ जी। आप बताइए कुछ। अच्छा ये बताइए, हमारा ये होली का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये इन लोगों का गाना? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको अगर हम विकल्प दें होली खेलने जाने के लिए या देखने के लिए, तो आप बनारस छोड़ के कहीं और जाएंगे? मथुरा। चलिए इस मामले में, हाँ मथुरा का। आपने कहाँ कहाँ का देखा है? मैंने तो बस बनारस का देखा है। कहीं और का तुम्हारे जाने का मन होता है देखने का? मतलब एक दो बार देखने के लिए ठीक है, लेकिन बनारस की होली बेस्ट है। वैसे जो लोग जहाँ रहते हैं वो लोग उस शहर को ही सबसे अच्छा शहर मानते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो है मैं राजीव भाई को News 24 के माध्यम से एक तो होली की बहुत बहुत बधाई आपको, और विशेष रूप से बनारस काशी की होली तो बहुत ही शानदार है, यहाँ पूजा है, भक्ति है, शक्ति है, आपको जो है इसी तरह से आप प्रगति करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक आखिरी प्रस्तुति संगीत में आप में से कौन करेगा? अरे पहले विजय भैया से कहिए, विजय भैया हमारे काशी के हाँ, है, काशी के गौरव। हाँ भाई, मोनू भाई क्या है हाल चाल, या हमारे पुराने परिचित हैं। आपको प्रणाम पहले, पूरे बनारस की तरफ से आपको प्रणाम। क्या है तैयारी होली का? तैयारी तो यही है कि बस मोदी में है दुनिया, बनारस तो है, बनारस है, बनारस में। लेकिन थोड़ा सा आपके माध्यम से एक शिकायत है कि थोड़ा सा जैसे कि इन लोग का जो प्राविधान अपना कार्य करने का, जैसे अब इन्होंने एक 80 नदी का प्रावधान निकाल दिया, 10,000 घर इससे तबाह हो रहा है, थोड़ा सा आपके माध्यम से ये भी कहना था। वो कहाँ सुनते हैं? वही कुछ सुनते नहीं है, विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जी जी सही है, विपक्ष ही नहीं है, बस यही है। चलिए तो देखने में तो अच्छा लगा। एक चीज़ आप देख रहे हैं, घाटों की सफाई देख रहे हैं कितना मनोरम है, लेकिन ठेकेदारों का कोई बिल भुगतान नहीं है, सारे ठेकेदार रोते फिर रहे हैं। हाँ साहब, तो देखिए जो चीज़ दिखती है आंखों से वो तो मानना पड़ेगा कि बनारस के घाट, इससे पहले मैं भी आता हूँ बहुत साल से, लेकिन इधर बीच बनारस के घाटों की जो खूबसूरती और सफाई है, ये बनारस वाले बाहर वाले ये सब मानेंगे कि उसमें तो बहुत अच्छा सुधार हो गया, बहुत कुछ, लेकिन जो खूबसूरत बनाया है वो बर्बाद हो गया है। पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, पैसा नहीं मिल रहा ठेकेदारों को, रो रहे हैं विभाग से, दौड़ रहे हैं लोग कुछ अपने जानने वाले। नहीं, हम लोग तो क्या मतलब, क्या किया जाए, मोदी में सब कुछ करो फिर भी बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ तो सर अब आइए, अरे आइए, तो आप तो रही गए, हमको क्या मालूम, यही सुनाइए, ये तो खाली सुनाना नहीं है, खाली बताना है होली के बारे में। हाँ बताइए, और बनारसी भाषा में बताना है। बतावा। बनारस की होली ऐसी होली कहीं नहीं होती है, ऐसी बनारसी में बोला, ऐसा हो रहा होली, ऐसा बनारस का होली कहीं नहीं होला, इतना फाड़ू होला। बस आज गुरु तक लगा रहा था इसी बनारसी अंदाज में।